यहां धमकी देने आए हो? धमकी नहीं आंटी, मैं तो आपको खबरदार करने आया हूं। अब आप इसको मेरी धमकी समझे या रिक्वेस्ट, वो मैं आप पे छोड़ता हूं। इस घर के दरवाजे तो उसके लिए पहले ही बंद है। अब ये नौके बेचारी अपने ससुराल से भी निकाली जाए। अगर आप अपनी बेटी का घर बचाना चाहती हैं, तो आप उसे समझाएं कि अपनी जॉब पर वापस आ जाए। आप समझिए ना आंटी। चलता हूं, ख्याल रखिएगा अपना भी और निमरा का भी। अल्लाह हाफिज। अरे अम्मी, ये कहाँ गए? चला गया। क्यों आए थे ये? अम्मी अम्मी, आपकी चाय। जीती रहे, बहुत अच्छी चाय बनाई है तूने। अम्मी, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं। हाँ, पूछ, मैं क्यों बुरा मानूंगी। अम्मी, आपको क्या हो गया था? जब आप घर आई, आप इतने गुस्से में क्यों थी? और आपकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। मैंने आपका ये रूप पहले कभी नहीं देखा। आखिर आपको हो क्या गया था? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ था। वो बस 5,000 का नोट गुम गया था उसकी परेशानी में, और दूसरा रक्षे वाला भी घुमाता रहा मुझे। फजूल में उसका गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल दिया। आप सच कह रही हैं ना अम्मी, और तो कोई बात नहीं है ना? भला और क्या बात होगी, तुझे यकीन नहीं है अपनी माँ पर? यकीन तो है अम्मी। तो फिर बात खत्म हो गई। वैसे अम्मी, आप रह कहाँ गई थी? इतनी देर से वापस क्यों आई थी? बताया तो है 5,000 का नोट गुम गया था, ऊपर से रक्षे वाला पता नहीं कहाँ ले गया। उसे खुद पता नहीं चल रहा था कि कहाँ जाना है, इसीलिए इतनी देर हो गई। अम्मी, आप तो बाबा जी से मिलने गई थी ना, उनसे मुलाकात हुई आपकी? हाँ, हुई उनसे मुलाकात। मिली उनसे मैं, उन्होंने वादा किया है मुझसे बहुत जल्द तेरी और जुनेद की शादी हो जाएगी। सच अम्मी, बाबा जी ने वादा किया आपसे? आहिस्ता बोल, कोई सुन लेगा। आप सच कह रही ना अम्मी, मेरी शादी जुनेद से होगी ना? और नहीं तो क्या, तेरी खातिर बाबा जी से जबरदस्ती वादा लेकर आई हूँ। बहुत जल्द तेरे हाथ पीले करके तुझे रुखसत कर दूंगी। अब जाए यहां से, चाय पीने दे मुझे। जी अम्मी। कर भला, हो भला। अम्मी, आपने बताया नहीं वजाहत क्यों आए थे?
धमकी देने आया था। धमकी? कैसे धमकी अम्मी? कि निम्रा वापस जॉब पर न गई तो वो उसके शौहर को बता देगा कि निम्रा उसके ऑफिस में जॉब करती है। एक बात मुझे सच सच बताओ। जी अम्मी। तुम जानती थी कि निम्रा वजाहत के ऑफिस में जॉब कर रही है? जी जी अम्मी, मैं जानती थी, मैं आपको बताने वाली थी, लेकिन लेकिन क्या? मुझे आप ही ने मना किया था आपको बताने से, इस डर से कि आप उनको मना कर देंगी जॉब से। फिर तो तुम ये भी जानती होगी कि राशिद जानता है मेरा वजाहत के ऑफिस में जॉब कर रही है। नहीं अम्मी, राशिद भाई नहीं जानते हैं ये बात, मगर हाँ मुमानी जान जानती हैं और उन्हीं के कहने पे ही आप ही ने ये जॉब कंटिन्यू की है वापस। तू मुझे पहले बता देती इस बारे में, कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। अम्मी मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। पता नहीं वजाहत क्या करेगा निम्रा के साथ, पर उसने राशिद को बता दिया निम्रा उसके ऑफिस में जॉब कर रही है। राशिद तो कम अकल सा है, यानी क्या समझ बैठेगा। मेरी बच्ची बेचारी का मैका तो पहले ही नहीं। ससुरा तेरे मुंह में खाक। खफा हो? आज बहुत ज्यादा हो गया ना, मुझसे गलती हो गई, मैंने बहुत मिसबिहेव कर दिया। वो तो तुम हमेशा ही करते हो, जब तुम्हारा दिल चाहता है तब करते हो मेरे साथ मिसबिहेव, कोई नई बात नहीं है। यार निम्रा, मुझसे गलती हो गई, ज्यादा बोल दिया, आई एम रियली सॉरी। ये बात भी तुम काफी दफा कह चुके हो, लेकिन ना तो तुम्हारी फितरत बदलती है और ना ही आदत। गलती हो गई, आइंदा नहीं करूंगा, सॉरी। फोन काट दिया, शायद बिजी होंगी। किसकी कॉल थी? जारा की कॉल थी, ये भी यकीन नहीं आ रहा होगा। ये लो देख लो, चेक कर लो। नहीं मुझे चेक नहीं करना, मैं वैसे ही पूछ रहा था। प्लीज आई एम रियली सॉरी, भूल जाओ ना पुरानी बात को। मेरा ना इस वक्त इस बारे में बात करने का कोई मूड नहीं। तुम क्या थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ सकते हो प्लीज? रहो अकेली, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। हाड़ में चाहे मेरी तरफ, पता नहीं खुद को क्या समझती है, से मनाने की कोशिश कर रहा हूं मान ही नहीं रही है। हाड़ में जाए मेरी तरफ से।
इसको क्या हो गया, अब ये फोन क्यों नहीं उठा रही? साहब के भी नखरे बढ़ गए। आप ही की कॉल। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ ज़ारा, तुमने कॉल की थी। आपी, क्या हुआ है? आपका आपका मूड क्यों ऑफ है? किसी से कोई झगड़ा हुआ है आपका? नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ, किस लिए कॉल की थी? वो मुझे आपसे आपी एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो, सुन रही हूँ। आज वजाहत घर आया था। क्या वजाहत हमारे घर आया था? क्यों? आप ही वो अम्मी को धमकी देकर गया है कि अगर आप उसके ऑफिस नहीं गई तो आपके ससुराल आ जाएगा और राशिद भाई को सब बता देगा कि आप उसके ऑफिस में जॉब करती हैं। क्या? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ज़ारा, वजाहत इस हद तक गिर सकता है। आप ही मैं सच कह रही हूँ। आप यकीन करें, जब वो आया था ना, मैं और अम्मी तो एकदम हैरान हो गए थे। और जिस तरह से आप ही वो कहकर गया है ना, हमें लगता है वो ये भी कर गुजरेगा। क्या हुआ आप ही? आप खामोश क्यों हो गई हैं? सोच रही हूँ कि अगर वजाहत सच में यहाँ आ गया तो मेरा क्या होगा। मैं घर से तो मैं पहले ही निकाली जा चुकी हूँ, अगर ससुराल से भी निकाली गई तो कहाँ जाऊंगी मैं? अच्छा ये बताओ, अब्बू को तो नहीं पता चला ना कि वजाहत घर आया था? नहीं, आप ही किसी को कुछ पता नहीं चला। नवेद को भी नहीं पता, सिर्फ अम्मी को पता और मुझे पता है। सारा अब्बू को नहीं पता चलना चाहिए, वो पहले ही मुझे लेके कितने बदगुमान है। ये बात पता चल गई तो बिल्कुल ही बदजन हो जाएंगे मुझसे। नहीं पता चलेगा आप ही किसी को भी। मैंने अम्मी को बोल दिया है कि वो किसी को ना बताए। आप परेशान ना हो। भाई साहब ले ना आप लोग कुछ, बैजी ले। हाँ जी, ये कबाब जरूर लीजिएगा, सदफ ने खुद अपने हाथों से बनाया। वाओ, इट्स होममेड। आई विल डेफिनेटली ट्राई, बट खावर हम जिस काम के लिए आए हैं पहले वो कर लेते हैं, फिर मुंह भी मीठा करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। देखिए भाई साहब, मैं कोई लगी लपटी रखने वाला आदमी नहीं। हमारे यहाँ आने से पहले शिराजी साहब ने आप और आपके खानदान की इतनी तारीफ की कि हम घर से ही फैसला करके आए थे कि तो शादी हम यहीं पर करेंगे। हमें आपकी बेटी माशाल्लाह बहुत पसंद आई, और जहाँ तक मुझे मेरे बेटे का पता है, मुझे यकीन है कि इसे भी सदफ बहुत पसंद आई होगी। तो फिर हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए, बस आपके जवाब के मुंतजिर हैं। अगर आप हाँ करें तो मुंह मीठा करें। ऐसे क्या देख रही हैं भाभी, मुंह तो मीठा कराइए। आई एम सो हैप्पी टुडे। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, जो फैसला करना है हाजी साहब ने करना है। मैंने क्या करना है जी, सब तो आप लोगों के सामने है, और वैसे भी शिराजी साहब ने आप लोगों की बहुत तारीफ की है। रजिया, इन्हें हमारी सदफ पसंद आ गई है। ठीक है जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है, और मुँह मीठा कराओ। जी। अरे ये तो उठ के चले गए, आई थिंक शर्मा गए, बट आप इसे बुलाइए, आज ही रस्म कर लेंगे हम। जी, मैं देखती हूँ, मैं बुला के लाती हूँ। तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। जी आप लोग कुछ लीजिए ना। हाँ बिल्कुल बेटे, आप भी कुछ लो ना। क्या हुआ बेटा, वहां से उठकर क्यों चली आई?
तुम्हारे कहने पे मेहमानों को बुलाया था ना, और ये सारी बातें हमारे दरमियान तय हो गई थी। तो फिर देखो बेटा, अगर तुम उससे मिलना नहीं चाहती हो या तुम्हें रिश्ता पसंद नहीं है तो मेरी पसंद नापसंद से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बेटा, बहुत फर्क पड़ता। अभी रिश्ता तय नहीं हुआ है, होगा वही जो तुम चाहोगे। अगर हाँ करती हो तो मेहमानों को हाँ कर दूंगा, इनकार करती हो तो मना कर दूंगा। लेकिन इनकार की कोई खास वजह होनी चाहिए ना बेटा। तुम्हारी खुशी की खातिर हमने राशिद से रिश्ता तय किया था, और अब भी वही होगा जो तुम चाहोगे। बस एक बात का ख्याल रखना बेटा, राशिद की खातिर इस रिश्ते को मत ठुकरा। तुम अगर सोचना चाहती हो तो सोच लो, वक्त लेना चाहती हो वक्त ले लो। तुम्हारा जो भी फैसला होगा ना बेटा, वो हमें मंजूर होगा। अबू। जी बेटा। लड़का पढ़ा लिखा है, तालीम क्या उसकी? बेटा MBA किया हुआ उसने, बहुत पढ़ा लिखा है। मुझे रिश्ता मंजूर है। खुश रहो बेटा, सदा खुश रहो। मुझे तुमसे अपोलोजाइज करना था, लेकिन मुझे तुम्हारी अपोलोजी की जरूरत नहीं है। शायद मैं तुम्हें माफ भी कर देता, मगर जो तुमने सितारे के साथ किया ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जल्दी क्या है जाने की, शेयर करने का भी क्या फायदा? एक कॉल कर लो, हो सकता है सब ठीक हो जाए। मैं उसकी कॉल भी नहीं उठाऊंगा। सलार, मेरे और उसके दरमियान कोई ताल्लुक ही नहीं, तो उसके बारे में बात करने का भी क्या फायदा? फजी कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही थी, मैंने इवन ऑफिस भी कॉल की, पर उन्होंने मुझे कहा कि तुम वहां से निकल गए। आखिर थे कहाँ तुम? निम्रा के घर था। क्या, निम्रा के गए? क्यों, आखिर तुम वहां गए क्यों थे? उसके घर वालों को खबरदार करने गया था कि अगर निम्रा अपनी जॉब पर वापस नहीं आई तो मैं उसके शौहर को जाकर बता दूंगा कि वो मेरे पास जॉब करती थी, क्योंकि उसका शौहर इस बात से लाइल है, और जब उसके शौहर को इस बात का पता चलेगा तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। और मुझे उस कुछ भी का इंतजार। तुम पागल हो गए हो? वजह है क्या, जरूरत थी ये सब करने की? तुम ऐसे तो नहीं थे। जरूरत थी अम्मी, जो कुछ निम्रा ने हमारे साथ किया मैं भूला नहीं हूं, और जहां तक मेरे ऐसे ना होने की बात है तो निम्रा को सबक सिखाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक भी जा सकते हो। आई एम बैडली डिसअपॉइंटेड। मैंने जो कुछ किया बहुत सोच समझ कर किया, और मैं अच्छी तरह जानता हूं क्या सही है और क्या गलत। आप देख रहे कि
क्या कह के गया? उस लड़की से बदला लेने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। क्या से क्या बनता जा रहा है? देख रहा हूं लेकिन बेबस हूं, चाहकर भी उसे सब कुछ करने से रोक नहीं सकता। मीना क्यों बैठो बैठो, तुम्हारी तबीयत ठीक है? जी जी ठीक है। फिर इतनी चुप चुप क्यों हो? जब से मैं घर आया हूं तुमने कोई बात ही नहीं की। सब खैरियत है? जी सब खैरियत। क्या कोई आया था आज? मैं पूछ रहा हूं कोई आज आया था? नहीं तो यहां किसने आना है? हाँ वो दूध वाला ही आया था सुबह। सी ने आना था क्या? बबी तुमसे पूछ रहा हूं, तुम कोई बात नहीं कर रही, किस बात की चुप लग गई है तुम्हें? वो सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे, कुछ तबीयत ठीक नहीं। एक काम करो, उठो अपने लिए भी चाय लेकर आओ और सर दर्द की गोली खाओ, अभी ठीक हो जाओगी। जाओ शाबाश। गए तुम लोग? एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, बाबा जी ने तुम लोगों को मेरे हवाले कर दिया है। आज से तुम लोग मेरे इशारों पर नाचोगे। वही करोगे जो मैं कहूंगी। और एक बात याद रखना सुरैया की, अगर मेरी हुक्म अधूरी की तो बहुत बुरा सलूक करूंगी तुम्हारे साथ। याद रखना मेरी बात, समझे? निम्रा बिनते समीना, याद रहेगा ये नाम सबको,
याद रखना, बाद में बताऊंगी क्या करना है। आप ही वो अम्मी को धमकी देकर गया है कि अगर आप उसके ऑफिस नहीं गई तो वो आपके ससुराल आ जाएगा और राशिद भाई को सब बता देगा कि आप उसके ऑफिस में जॉब करती हैं। और जिस तरह से आप ही वो कहकर गया है ना, हमें लगता है वो ये भी कर गुजरेगा। रात के 2 बजे कौन होगा? अरे कोई भी नहीं है बाहर। कोई है, मैंने अपनी आंखों से देखा। दरवाजा बंद करो, लॉक करो जल्दी। अरे भाई कर रहा हूँ लॉक। चलो उठो। निम्रा या तो तुम बाहर सो जाओ या तो मैं सो जाऊंगा। नहीं मुझे अकेले छोड़ के नहीं जाना, मैं सो जाती हूँ। उठो। अजीब, आ जाओ। कुछ नहीं हुआ, खामा खा डर रही हो तुम। सो जाओ सो जाओ, कुछ भी नहीं है, वहम है तुम्हारा। वो अब तक क्यों नहीं आई? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। क्या आ रही है? आओ बैठो मेरे पास। मानी जान मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने जल्दबाजी में बहुत गलत फैसला ले लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या किया है तुमने, क्या गलत किया है? मुझे नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी, मैं ये नौकरी छोड़ के बहुत पछता रही हूँ। काश मैं ऐसा ना करती। कोई बात नहीं है, गलतियां इंसानों से ही होती हैं। अगर तुम अपनी गलती को सुधारना चाहती हो तो नौकरी पर वापस चले जाओ। हाँ अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, देर नहीं हुई। ये तुम्हारे लिए भी बेहतर है और इस घर के लिए भी। निम्रा फिर तुमने क्या फैसला किया? मैं नौकरी पे वापस जाऊंगी, मुझे वापस जाना है। मैं वजाहत से नाम नहीं लेना, सिर्फ इतना कहो कि मैं वापस जाऊंगी। मैं वापस जाऊंगी। शाबाश, मैं वापस जाऊंगी। मैं वापस जाऊंगी। मैं वापस जाऊंगी। कर भला
हो भला। निम्रा क्या कर रही हो तुम? हर वक्त थक 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 लगा के रखी होती है, ना रात में सोने देती हो ना दिन में, क्या कर रही हो? अपने कपड़े निकाल रही थी। कपड़े? कपड़े क्यों निकाल रही हो इस वक्त? मैं अपनी जॉब पे वापस जा रही हूँ। ऑफिस? वापस ऑफिस जाओगी? हाँ, मैंने बहुत सोचा है इस बारे में। मुझे लगता है मैंने अपनी नौकरी छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है। अब क्या फायदा सोचने का, ये तो पहले सोचना चाहिए था ना। अच्छी भली नौकरी थी, घर बैठे पैसे भी मिल रहे थे। पता नहीं क्या सूझी तुमने लात मार दी। तुम्हें क्या लगता है अब तुम ऑफिस जाओगी तो तुम्हें वापस रख लेंगे? जिस तरह तुम छोड़ के आई हो ना, धक्के मार के निकालेंगे तुम्हें। वो मुझे जॉब पे रख लेंगे, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। अच्छा, इतना यकीन कैसे है कि रख लेंगे? बस है। बस है, बढ़िया ही, गोल्ड मेडलिस्ट। शोर नहीं करना। ये पकड़ ताबीज, उसको पानी में घोल के जुनेद को पिला देना। जैसे ही इसका पानी उसके हलक से उतरेगा, वो अपनी माँ तो क्या, पूरी दुनिया से लड़ जाएगा तेरे लिए। सच अम्मी, क्या इस ताबीज से मेरी और जुनेद की शादी हो जाएगी? फारसी में बोला है क्या? कह तो रही हूँ वो अपनी माँ को मना लेगा। इतनी ताकत है इस ताबीज में? क्या ये ताबीज आपको बाबा जी ने दिया है? नहीं, बाबा जी अब नहीं रहे। नहीं रहे मतलब वो मर गए? खबरदार, खबरदार आइंदा ये अल्फाज इस्तेमाल किए तो। अब मैं ही बाबा जी हूं, पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। अब मेरे पास इतनी ताकत आ चुकी है कि मैं अब कुछ भी कर सकती हूं, कुछ भी। और खबरदार ये बात किसी को बताई तो, वरना तेरी और जुनेद की शादी कभी नहीं होगी। नहीं अम्मी, मैं क्यों बताऊंगी किसी को? किसी को नहीं बताऊंगी मैं। जा यहां से। कर भला, हो भला। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मिस निम्रा नहीं आई? अब नहीं सर, अभी तक तो नहीं आई। आप उन्हें कॉल करें, पूछे वो कब आ रही है। ओके सर। Thank you.
अरे तावीज देना तो मैं भूल ही गई, कहाँ रखी थी तावीज मैंने? कहाँ रखी थी? अरे भाई को तो देखूं, भाई कहाँ पर है? मुझे लगा था कि वजाहत सचमुच निमरा को भूल चुका है, लेकिन उसने कल जो किया उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी आंटी। इवन वजाहत ने खुद मुझसे कहा कि उसके जिंदगी में निमरा की अब कोई जगह नहीं है। वजाहत जिस रास्ते पे चल रहा है ना, बिल्कुल ठीक नहीं है। उसको मेरी बात ही समझ में नहीं आ रही। बेगम साहब आपसे एक लड़की मिलने आई है। कौन लड़की? पता नहीं कौन, मैंने पहले नहीं देखा उन्हें। अरे तुमने नाम नहीं पूछा उसका? मैं बताती हूँ, निमरा नाम है मेरा और मिलने आई हूँ आपसे। तुम यहाँ क्या कर रही हो?